and I can seize my own. Dude, Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul. Hey, what's up guys, welcome back to my new vlog. I hope you all good. पहली बात तो ये कि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है. उसका रीज़न ये है कि मैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी था. दो महीने बाद ही वीडियो आ रही है शायद, और अभी थोड़े दिन और बिजी रहूँगा, उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे. सो आज हम जा रहे हैं दरियागंज मेरा गिटार रिपेयर करवाने. गिटार टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा है, घर में किसी से टूटा हुआ, कोई बता भी नहीं रहा, और इसको रिपेयर करवाने जा रहे हैं. बाकी मैं दिखा देता हूँ कैसे टूट गया मेरा गिटार. देखो यहाँ से पूरा टूट गया, अब पता नहीं पूरा चेंज होगा क्या होगा. और अभी जिसको भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना हो, जिस शॉप पे मैं जा रहा हूँ उस पे जा सकता है, जो मतलब कि और भी मार्केट में और शॉप के अकॉर्डिंग उसके रेट सबसे अच्छे हैं. मैं पहले पूरी मार्केट में घूमा था, फिर उस शॉप पे गया था, बाकी उसके रेट अच्छे हैं, जिसको जाना हो जा सकता है. और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना. चलो चलते हैं. वैसे मैंने सोचा था कि सुबह सुबह घर से 9 बजे निकल लेंगे और मार्केट 10 बजे ओपन होती है, 10 बजे तक हम भी पहुंच जाएंगे मार्केट में, और उसके बाद जल्दी जल्दी रिपेयर करवा के जल्दी वापस आ जाएंगे. मेरे को शाम को कहीं जाना था, बट कैसे ना कैसे करके 12-1 तो यहीं पे बज गया. पता नहीं कब जाएंगे, 2-3 बजे तक वहां पे पहुंचेंगे. बहुत ज़्यादा लेट हो गए, वो भी इसकी वजह से जो कैमरा मैन है मेरा. ये आ गया है रेड फोर्ट, दरियागंज रहेगा 2 किलोमीटर दूर. और रेड फोर्ट के आगे तो काफी बार आ चुके हैं हम, गिनती नहीं होगी, 1000 बार आ चुके होंगे, बट कभी इसके अंदर ही नहीं गया मैं आज तक. तू गया इसके अंदर? 1000 बार आ गया मैं इसके बाहर से, पर इसके अंदर नहीं गया कभी भी. तो फाइनली दरियागंज आ चुके हैं, और जितनी राइट में शॉप दिख रही है पूरी दरियागंज की, यही मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट मार्केट. और एक तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पार्किंग है नहीं, कहाँ लगाएं, पुलिस वाले टो करके ले जाते हैं. कहाँ लगाऊँ यार गाड़ी, एक तो 10-15 मिनट हो चुके हैं घूमते घूमते, पार्किंग ही नहीं मिल रही और गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं मिल रही. पीछे तो नहीं रहेगी शॉप. निकल सो जिस शॉप पे जाना था, ये आया वो वाली शॉप, गूंज म्यूजिकल स्टूडियो, सॉरी गूंज म्यूजिकल गैलरी. खुलो क्या क्या वो फिर जगह? अच्छा ये
अभी गिटार तो रिपेयर होने के लिए दे दिया, बट उन्होंने बोला कि 10 दिन लगेंगे। मुझे लगा हैंड टू हैंड रिपेयर हो जाएगा, अब 10 दिन बाद ये दिक्कत होगी, 10 दिन बाद दोबारा फिर आना पड़ेगा लेने के लिए। चलो अब चलते हैं घर की साइड, अभी नहीं एक काम हो रहा है वो निपटा के फिर चलते हैं घर की साइड, पहले कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। तेरी बात, यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है। तेरे बाद खुद से मैं रूठ गया हूँ, तेरे बाद अंदर से टूट गया हूँ, तेरे बाद ये जो बैकग्राउंड में सॉन्ग सुन, ये अभी सॉन्ग चल रहा था ना, ये एक दोस्त का सॉन्ग है, इसके इसका लिंक मैं डाल दूंगा, इसको ध्यान से सुनो और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो। और अगर किसी को पुलिस वाले खड़े हैं भाई और अगर किसी को लिरिक्स चाहिए सॉन्ग के, या किसी को वीडियो एडिट करवानी हो, या किसी को म्यूजिक बनवाना हो अपने बजट में, तो कमेंट में बताना, सब काम होते हैं अपने पास। सो अभी कुणाल गया हुआ है कुछ खाने के लिए लेने के लिए बाहर, और काम वगैरह सारे निपट गए हैं, अब खा के सीधा चलते हैं घर। एक तो एक घंटा पूरा लग गया ट्रैफिक में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली में पूछो मत, पूरा एक घंटे बाद निकले ट्रैफिक से, अभी आगे भी और भी मिल सकता है। तो मैंने अभी कुणाल के लिए ये मिकी माउस खरीदा है 20 रुपए का 20 रुपए का, इसको ये लगा के फोटो क्लिक करवानी है। आईएसबीटी तो क्रॉस हो गया ना, ये देख लो दिल्ली में ट्रैफिक कितना है, बहुत ज्यादा। दिल्ली आना तो भाई इससे अच्छा तो मेट्रो से आ जाओ, कहीं भी जाना हो, इसलिए मुझे मेट्रो पसंद है कि मेट्रो से जाता हूँ मैं, कहीं भी जाता हूँ गाड़ी या बाइक, बाइक से तो मैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने बंद ही कर रखा है ना, पहले आ गए पुलिस वाले हैं, मास्क लगा भाई। ये जो सॉन्ग चल रहे हैं बहुत ज्यादा इरिटेट होता हूँ, बस इतना ही है, इतना ये ज्यादा कुछ नहीं है। और एक तो जिस फोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसकी बैटरी होगी लो, मैंने ध्यान नहीं दिया घर पे ना, मैं डाटा केबल लेकर आया, इसकी वीडियो भी आधे में करनी पड़ेगी। My heroes tonight.